2020 मार्च में मैंने एक एग्ज़ाम बुक करवाया प्लेब वन जो कि इस्लामबाद में जाके देना होता है रिटर्न एग्जाम होता है वो एम वाला होता है ये इंग्लिस्तान में डॉक्टरी का लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम होता है मैंने जब एग्ज़ाम बुक करवा लिया तो सबसे पहली बात मैंने की वो ये थी मैंने अपने सीनियर से पूछा मुझे बता दें कितने दिनों में तैयारी होती है ना आपने सिलेबस पूछना है ना आपने पूछना है इसके लिए आपको कैसा टैलेंट चाहिए आपने बस पूछना है कितने दिनों में तैयारी होती है सीनियर से मुझे कहा यार अली 40 दिन आर मोर देन इनफ मैंने कहा 40 दिन मैं चलो मैं पचास दे देता हूँ यार अगर चलो यार छोटा दिमाग है अपना पचास देते हैं कोई मसला नहीं है अब पचास दिन पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी और पहले एक दो दिन लगाए मैंने टाइम टेबल बनाने में फिर एक दो दिन लगाए मैंने माइंड बनाने में देखो पाकिस्तान में यार हिसाब ही है यार बिल्कुल देखो पाकिस्तान में अगर किसी भी लड़की की शादी हो रही हो ना तो, तो, तो लड़के को बिठा के सबसे पहले सारे ये कहते हैं देखो यार टेंशन ही लेनी सारी गेम माइंड की है <laughs> मैंने भी ठीक है यार कहा बस माइंड अपना छोटा माइंड बन जाए दैट्स मोर देन इनफ अब मैं साथ साथ जॉब कर रहा हूँ ठीक है एक हॉस्पिटल में वहाँ मेरी आठ घंटे ड्यूटी और साथ साथ तो मैं आखिर रोजाना एक दो घंटे एक दो घंटे पढ़ो और मैं समझ रहा हूँ बहुत ज्यादा पढ़ोफ तो यार मैं कहूँ वैसे भी मैं ना एक सुप्योरिटी कॉम्प्लेक्स में चला गया था कि मैंने तो कहा लोग तो कहते हैं चालीस दिन की तैयारी है मैं तो पचास दिन पहले शुरू कर ली मेरे पास दस दिन एक्स्ट्रा है अब मैं जब तैयारी करना शुरू किया ना तो उसके ना कोई पंद्रह दिन बाद मेरी उधर ही हॉस्पिटल में कलिक थी उन्होंने भी मुझे तैयारी का ज्वाइन कर लिया उन्होंने बिल्कुल लास्ट डेट के करीब वो एग्जाम बुक करवाया था और उन्होंने कहा यार अली मैंने भी तैयारी करनी मिलकर करते हैं अब मेरे अंदर और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मैंने कहा यार मैं तो बीस दिन पहले से तैयारी करो यार ये तो बाद में आई है मुझे तो ज़्यादा आता होगा या मेरा एक वैसे कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा यार कॉन्फिडेंस लेवल तो ऊपर है अब हमने कहा चलो ग्रुप स्टडी करते हैं ग्रुप स्टडी करते हैं ठीक है ग्रुप स्टडी करने के लिए कैफे जेड कैफे चले गए हम ठीक है वहाँ जाकर हम जब बैठे हैं खोली किताबें वो क्यू बैंक खोला प्लेबेबल कर रहा था मैं प्ले वन के लिए तो न्यूरो के शुरू किए यार ठीक है सी एन एस के जो थे क्वेश्चन शुरू किए यार मेरा एक गलत दूसरा गलत तीसरा गलत चौथा गलत उनका एक सही दूसरा सही तीसरा सही चौथा सही आ, मैं क्यों आपको कैसे आता है सारा ये ट्रैक कहाँ से किधर जा रहा है किधर जा रहा है मुझे तो अभी तक वो पहले अपनी कैरेनियन लव्स याद करते हैं मसला शुरू हो रहा है मैं तो उनके बात करूँ आपको कैसे आ रहा है सारा उन्होंने यार स्टेप वन स्टेप टू यूएस का टेस्ट होता है उन्होंने दिया हुआ था पहले से ठीक है तो उनका बैकग्राउंड नॉलेज ना इतना बड़ा था अपना तो सारा बैकग्राउंड नॉलेज इतना था ठीक है तो उस वक्त आप उनको लगा पहला झटका आपने कहा यार ये तो लगता है कम दिन पहले तैयारी शुरू कर ली यार मुझे तो कम से कम तीन महीने पहले तैयारी शुरू करनी चाहिए थी फिर खैर टेस्ट हुआ टेस्ट देने इस्लामाबाद के

करते थे खैर मैंने वो लिखी देखी जिसमें मेरे मैक्सिमम ठीक थे ठीक है मैंने चेक किया नहीं यार इसका ये ठीक है वो अपलोड करते थे ना लोग अब मैं जब चेक कर रहा करो चेक कर रहा करो चेक कर रहा तो खड़ा मार्जिन पर था सौ सत्रह अठारह चाहिए होते और मेरे एक सौ बीस करे एक अंदर से इंट्यूशन आ जाती है फीलिंग भाई के अंदर है जिसमें मुझे लग जाती है कि भाई ये एग्जाम तो जाना उड़ ठीक है तो कोई मसला नहीं यार मैं आराम से अप्रैल तक रिजल्ट का इंतजार किया रिजल्ट आया तो उड़ गया कोई मसला नहीं कोलीग से पूछा तो उनके तो एक सौ चालीस नंबर थे ठीक है एक सौ अस्सी में से तो उस वक्त तो मुझे पहली बात पता चली है पहली बात ये थी ये जो सारा लोग कहते हैं ना हर चालीस दिन में तैयारी हो जाएगी पैंतीस दिन में पहली बात यार वो ये कह रहे थे कि अगर आप नौकरी नहीं करते ना रोज़ाना दिन में दस घंटे पढ़ते हो और आपके पास इतना पीछे बुब्बा है बैकग्राउंड नॉलेज का फिर आपकी चालीस दिन में हो जाएगी अगर आप ए, ए, एक आम बच्चे हो ना और आपने दिन में दस घंटे बाहर घर से रह रहे नौकरी करके और वापस आके आप सिर्फ दो घंटे पढ़ने तो ब्रो यू नीड एटलीस्ट थ्री मंथ्स ठीक है क्योंकि हर एग्जाम एम ही नहीं होता हर एग्जाम में कोई ना कोई टैलेंट या स्किल मांग रहे होते हैं ही मुंह ठाक कोई भी एग्जाम नहीं पास होता तो पहली बात मुझे यहां से समझ लगी कि भाई लोगों की बातों पे यकीन नहीं करना लोग तो छोड़े इंजू कर दो कर दो ठीक है अब मैंने कराया दोबारा बुक एग्जाम अपना मैंने करवाया अपना बुक सितंबर में मुझे जहां से याद है दो हजार बीस में में सीट्स आई थी मैंने सितंबर में बुक करवा लिया अपना एग्जाम अब मैं सप्तम्बर में जब बुकवाया मैं पढ़ रहा हूं पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ पढ़ रहा हूँ तो बिल्कुल ना सितंबर से मेरे एग्जाम से एटलीस्ट आई थिंक टू वीक्स पहले ना ई आती है मुझे रिंगलिस्तान वालों की काउंसिल की तरफ से देखें अगर आप अपना एग्जाम मैं अक्टूबर में करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा जस्ट इन केस अगर आपके इलाके में कोविड है तो कैंसिल ना हो जाए मैंने कहा क्या करूँ मैंने कहा चलो सीनियर से पूछता हूँ यार लोगों से पूछता हूँ मैं जाकर ना एक सीनियर मैडम से पूछा मैंने कहा क्या करना चाहिए उन्होंने कहा ली देखो दे दो एग्जाम अभी देखो बस दे देना चाहिए ऐसे ना ऐसे लटकाना नहीं चाहिए मैंने कहा ठीक है फिर मैंने एक और दोस्त से पूछा उसने भी एग्ज़ाम दिया था मैंने कहा कर, क्या करूँ यार पहले मेरा उड़ गया था अब क्या करूँ आगे करवाऊँ या दो हफ्ते बाद दे दूँ आगे अक्टूबर में था ठीक है डेढ़ माह आगे करवाऊँ या अभी उसने कहा देखें जी जितनी जल्दी चीज़ सर से उतरती है उतर जाए उतना अच्छा है ऐसे लटकाएंगे तो लटकी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती मैंने कहा ठीक है मैं घर गया मैंने वेबसाइट खोली इंग्लिस्तान की काउंसिल की मैंने एग्ज़ाम पोस्टपोन करा लिया अपना आगे की डेट ले ली मैंने कहा अब नहीं मैंने लोगों की सुननी क्योंकि अब उनको लटकी हुई चीज़ों से मसला नहीं है ज्यादा ठीक है मैंने कहा लटकने दो जितनी देर लटकता है यार जब करूंगा तो सही तरह करूंगा ना और जैसे ही जिस दिन मैंने अपना एग्जाम आगे करवाया कि भाई मैंने अक्टूबर का दिन है उसके दो दिन बाद ईमेल मेल आई कि सितंबर के जो एग्ज़ाम है जो प्लेब वन है वो सारे कैंसिल हो गए हैं कोई कोविड शोविड का रोला ऊपर चला गया शराब ऊपर चली गई मैं चुप मैं किसी को नहीं गया ये देखो मेरा सही डिसीजन है वैलिडेशन चाह रहा बाहर की देखो स्ट्रॉन्ग हो गया मैं मैंने अपनी चाहिए वैलिडेशन बाहर की पहले चाहिए था पहले जब मैं प्लान वन की फोर्टी डेज में तैयारी करता लो था लोग ऐसे तैयारी शुरू कर दी मैं, मैं तो पचास दिन पहले शुरू कर दी लोग पचास दिन गया तू आई एम योनाट अब मैं चुप चुप करके तैयारी कर रहा करो तैयारी कर रहा करो प्लेबल भी किया भाई मेड्रोवियन की के मॉक्स देने लग गया गया यार मैं फिर फिर गये टेस्ट दिया टेस्ट में आपके भाई के वन नंबर आए वन में से मगर जलालत बड़ी थी उसके पीछे ठीक है एक बात मैंने इस पूरे से से नोट की कि लोगों की बातों में नहीं आना यार लोग ना बड़ा गैन डालते रहते हैं यार लोग तो आपसे एक महीने में सी करा देते हैं यार दो महीने में शादी छह महीने में बच्चा ऐसी कोई ऐसी कोई हक नहीं यार आपने अपने ना छोटे दिमाग को देखते हुए जो करना करना है मेरा तो बड़ा बिग लेसन था कि लोग कहते हो एम की तैयारी तीन महीने में हो जाएगी जाए यो, उसने तो सिर्फ बीस दिन में दे दिया उसके भाई फैक्टर्स चेक करो यार वो शायद बचपन से पढ़ता आ रहा है उसके अम्मी अबू डॉक्टर हो उसके बहन भाई डॉक्टर हो उसका दिमाग वैसे ही बड़ा तेज हो या उसका फोकस लेवल बड़ा अच्छा हो यार आप अपने आप को देख के यार उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया भाई जो मर्जी हो जाए ना अपना छोटे अपने आप को छोटा दिमाग समझ के एग्जाम पढ़ना और अपने आप को बेसिक से शुरू करना है एकदम ऐसे छलांग ही मार देने की सब कुछ आता है ठीक है तो मैं हमेशा अपने आप टाइम लेता हूं ठीक है अनलाइक मोस्ट मैन इन पाकिस्तान अब मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं